सो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हम सब भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में, नई सुबह के साथ। और दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। और दोस्तों, आज हमारा भी नाश्ता पानी नहीं हुआ, बस अब बनने वाला थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने आ रखी मैं छत पर, क्योंकि छत पर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, नज़ारा भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों, आजकल मैं ना वीडियो बहुत लेट में डाल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ नेट भी नहीं चलता और वीडियो होती है 3-4 GB की और 1.5 GB मिलता है बस। और यहाँ 5G नहीं चलता ना, अनलिमिटेड। और कोटद्वार में तो 5G अनलिमिटेड चलता है, तो जितना चाहे हो उतना नेट यूज़ करो दोस्तों। तो बस दोस्तों, अब नाश्ता करने की बारी है, तब उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में से बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों को आगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुना। तो दोस्तों, मैंने सोचा पहले दूध लेके आ जाते हैं, कहीं बारिश ना आ जाए, तो तब नाश्ता उसके बाद करेंगे। दूध लेके आ जाते हैं पहले दोस्तों। और दोस्तों, परसों यहाँ पे ना नदी आ रखी थी, अब बंद हो गई। परसों तो भयंकर नदी आ रही थी, फिर बंद हो गई दोस्तों। देखो कितना बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे। सो दोस्तों, मैं दूध लेके आ चुकी हूँ, अब नाश्ता करते हैं। नाश्ते में बनाया है पराठे, दाल के पराठे, बहुत टेस्टी होते हैं, तो अब नाश्ता करते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए पराठे, अब खाते हैं गर्मा गर्म। मम्मी तो खाने लग गई है, कैसा हो रहा है मम्मी? अच्छा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन रहा है पलेओ। वैसे जो गढ़वाली हैं उन्हें तो पता ही होगा कि क्या होता है। और दोस्तों, ये बनता है छाछ से, उसमें थोड़ा चावल या झंगोरा डाल के, और अगर ज़्यादा खट्टी छाछ है तो उसमें थोड़ा पानी डाल के, और खट्टा मीठा बनाना है तो गुड़ और बाद में चटनी डाल के तब खा सकते हैं दोस्तों। हमने इसमें डाला है छाछ, थोड़ा चावल पीस के, गुड़, तब अब पका रहे हैं अब दोस्तों। अब बन जाएगा वैसे थोड़ी देर में, और बहुत टेस्टी होता है दोस्तों ये। और वैसे भी चूल्हे में बना रही हूँ मैं दोस्तों, तो टेस्टी तो वैसे भी हो गई। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी मम्मी ने सांप मारा है। देखो, एक दिन हमारे घर के अंदर भी बैठ गया था ना, ये देखो। ओ भाई, जहर दीदी, नील हो गया, गोभी पी लो, जहर ले आओ गो, मैंने मार दिया ये। अभी भी उसकी पूंछ हिल रही है, 7 दिन तक आ रहा है पूंछ पर। कहाँ दिखाते हो? मम्मी उसको फेंकने जा रही है दोस्तों। आजकल निकलते ही है नी, हमारे तो घर के अंदर भी चला गया था एक दिन। इतनी थी वो, तो घर के अंदर खुद ही मरी थी ना। हाँ, जहाँ बर्तन धोते उसके अंदर। वहाँ डाल दिया मम्मी ने। सो दोस्तों, मैं सो के उठ चुकी हूँ और मौसम देखिए काफ़ी अच्छा हो रखा है। और आज तो पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई, सुबह भी नहीं हुई और अभी भी नहीं हुई दोस्तों। तो आज तो काफ़ी अच्छा मौसम था। चाय चूँ बनाते हैं मम्मी के लिए, चाय पीते हैं। सो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ थल नदी, शाम का टाइम हो चुका है। बस घर पे टाइम पास नहीं होता, इसलिए जा रही हूँ मैं दोस्तों। चलो दोस्तों, चलते हैं। और वो देखिए दोस्तों, मोर दिख गया मेरे को, देखिए वो देखिए। गाय से आ रही बकरियाँ, ले 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 ले।
दोस्त तरह ठंडा दी आ चुकी हूँ और आज इसका बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे सैली। थैंक यू। और परसों उसका बर्थडे था ना, वो भाग गया है, उसका बर्थडे था है ना 2 दिन पहले, और आज इसका बर्थडे है। और सुबह तो नहाई नहीं, सुबह क्यों नहीं नहाई, सो जाने के लिए अब नहा रही है। लेट हो गया, लेट नहीं, मेरी नींद नहीं खुल रही थी। हाँ, नींद में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है ना, चाहे स्कूल के लिए लेट हो जाए पर सुबह जल्दी उठना है ना चाची, है ना। सॉरी सॉरी भी नहीं आया ना, सॉरी बस शाम तक नहीं आए, सेम सेम टाइम पर मिलते हैं बड़े दिन, नहीं भी छुट्टी भी नहीं है जितना, सेम सेम बैंडी फ्रेंड्स, इसका भाई है नहीं। चलो अब हम लूडो खेलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखो दोस्तों यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मेरे घर जाने की तैयारी हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। चल बाय बाय, मैं घर जाना चाहूँ, बाय बाय कर दे, टाटा कर दे, टाटा टाटा, तुम्हें ही लीजिए घर भाई, सब गो रहे तुम्हारा। ए घास देखे यार, सो दोस्तों मैं थल नदी से भी आ चुकी हूँ और ये देखे मम्मी को 2 दिन होते नहीं और इस गुड़ाई करने लग जाती है, हैं है मम्मी, खोड़ हो जाता है। और देखो मम्मी ने यहाँ पे भी लगा रखी मिर्ची। हाँ सच में 2 दिन होते नहीं है और कूड़ा हो जाता है इसमें, देखो। तो दोस्तों अब खाना बनाते हैं, दिन में हमने दाल चावल नहीं बनाया था ना, वही खाए थे हमने पराठे, और अब बनाएंगे दाल, उसी की दाल बहुत टेस्टी होती है, तो अब बनाते हैं दाल चावल। सो दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो चुका है, बस अब सोने की तैयारी है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी और ब्लॉग्स की तरह पसंद आया होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।